वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राउसर डिफेंस में। जैसे कि बाबू आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में केवल जो बात करेंगे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि सर एनडीए होता क्या है, एनडीए में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनडीए कौन कौन दे सकता है, हर एक मुद्दे पे हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। उसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना है बाबू, हर एक मुद्दे पे हर एक पॉइंट मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एज लिमिट एग्जाम पैटर्न हर एक चीज पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए क्या होता है इसकी संपूर्ण जानकारी मैं राहुल भाई आपका देने जा रहा हूं। बाबू एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी। क्या होता है बाबू? सर नेशनल डिफेंस अकेडमी। क्या होता है बाबू? नेशनल डिफेंस अकेडमी। अच्छा जी सर, बाबू कई बच्चों का सपना होता है सर एनडीए में जाने का, खड़कवासला में जाने का, इस चीजों को क्या करना समझने की कोशिश करना। बाबू एनडीए में जो टोटल पोस्ट है वो होती है 370। कितनी? 370 पोस्ट होती है सर। 208 होती है आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए 120 होती है और नेवी के लिए 42 होती है। ये एनडीए में इतनी पोस्ट मिलेंगी आपको। यूपीएससी इस एग्जाम को लेती है, यानी अपना जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो अपनी यूपीएससी करवाएगी। कौन करवाएगी? यूपीएससी। जो बड़े बड़े एग्जाम जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह के एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। चलो जी, इसका जो योग्यता होती है बाबू एज लिमिट, यानी सॉरी एज लिमिट का नाम आ गया, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर वो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बाबू? आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, साइंस का मतलब मैथ बायो, हर एक स्ट्रीम के लिए एग्जाम में योग्य है चीजें। क्या सर? अगर मान लो मैं साइंस ले रखी है तो बाबू, अगर आपने साइंस ले रखी है यानी मैथ और बायो ले रखी है, तो आप नेवी या फिर एयरफोर्स में जा सकते हो। आपने कॉमर्स ले रखी है, आर्ट्स ले रखी है, तो आप जा सकते हो आर्मी में। बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी, लेकिन जाएंगे हर एक बच्चे, ठीक है, जो ट्वेल्थ पास है किसी भी स्ट्रीम से। सर एज लिमिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बाबू यही है। बाबू एज लिमिट है ना, उनको बोले बोले छोटे छोटे बच्चे चाहिए उनको, तो 16.5 से लेकर 19.5 तक के बच्चे ही लेते हैं। इसके बाद जो अगर आपकी उम्र हो जाएगी तब आप योग्य नहीं रहेंगे। सर इस ये जो एग्जाम होता है वो साल में दो बार होता है। क्या होता है बाबू? साल में दो बार, एक तो होता है अप्रैल में और एक अब होगा सितंबर में। अगस्त तो चले जाए, इसके एडमिट कार्ड भी कल एक दो दिन अपडेट हो गए थे ना, वो मैंने आपको बता दिया। फॉरम इसके दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, वो तो उससे क्या मतलब आपको देख लेना, आप फरवरी में होते हैं। सर इसकी जो फीस है बाबू, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं एस्पिरेंट है उनकी फीस है 100 रुपए, बाकी सभी बच्चों की क्या है फीस में छूट है। सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा बाबू? इसके दो एग्जाम होते हैं, एक तो मैथ का होता है, एक गेट का होता है। एक होता है मैथ का होता है, एक होता है गेट का। मैथ का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 120 मिलेंगे और गेट वाले में मिलेंगे आपको 150, और टोटल पेपर कितना हुआ आप देख रहे होंगे। चलो जी सर, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको एसएसबी के लिए कोलेटर आएगा। आपकी एसएसबी जो क्लियर जाएगी, जिसमें जीटीओ स्क्रीन ओटीओ टास्क होते हैं, वो अगर आपका कंप्लीट जाएगा उसके लिए आपको फिजिकल मेडिकल के लिए क्या करेंगे बुलाएंगे। चलो जी सर, फिजिकल मेडिकल भी क्लियर होने के बाद बाबू आपको 3 साल के लिए खड़कवासला में रखेंगे, आपको क्या कराएंगे टर्निंग देंगे 3 साल के लिए बाबू, है ना। चलो जी सर, हमारी जो अकाउंट में जो सैलरी होगी, जो पैसे होंगे वो कितने आएंगे सर? मैंने बोला बाबू 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक का आपको क्या मिलेगा सैलरी, यानी कि उसका प्रॉफिट आपको जो भी है वो मिलेगा बाबू। मैंने हर एक मुद्दे पे इस चीज में क्या किया है बात की। अगर कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी पॉइंट अगर रह गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।